हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो गया है सुबह सुबह के क्या, थोड़ा सा लेट ही हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग नहीं है। देखिए, मेरे लल्ला भी अभी नहीं है वहाँ पे। मैंने लल्ला को जगह के पीछे वाले कमरे में बैठा दिया है। उनको मैंने सुबह वाली जो मिस्त्री और पानी की सेवा होती है वो मैंने दे दिया है। तो आज मैं सुबह मॉर्निंग की जो सेवा करूँगी वो मैंगो शेक से करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं कल से ही मैंगो शेक बनाना चाह रही थी, लेकिन जैसे मैं गई मैंगो शेक बनाने, सारी तैयारी मेरी थी, लाइट कट गई। और लाइट आई भी नहीं, इतना लेट हो गया कि लाइट आई 3 बजे दोपहर में। तो उस टाइम तो खाना का टाइम हो गया था, खाना मतलब और पहले मुझे खिला देना चाहिए था, तो मैंने नहीं बनाया। लेकिन आज लाइट है और लाइट कट भी सकती है, लाइट का कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने पहले से ही तैयारी कर लिया है मैंगो शेक का। और मैं आज करूँगी क्या, अभी मैं लल्ला को जगा के पानी पिला दी हूँ, अब मैं जाऊंगी फट से मैंगो शेक बनाऊंगी। मैंगो शेक बना के और फिर मैं लल्ला को ले आऊंगी, नहलाऊंगी, नहला के उनका आरती मंगल करके फट से मैंगो शेक बना रहेगा, बस घुमाना रहेगा। तो अगर लाइट नहीं भी रहेगी तो मैं मिक्स कर लूँगी उसको ग्लास से, मैं ले आके आज सुबह की जो सेवा होगी वो मैंगो शेक की सेवा होगी। बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है, आप लोग देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को भी। और जिनके घर में ठाकुर जी हैं, प्लीज़ आप लोग भी गर्मियों में सुबह सुबह या शाम के टाइम में मैंगो शेक की सेवा कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, आप लस्सी बना के दे दीजिए, मैंगो शेक, खाना, ये सब तो मतलब खाना में भी ज़्यादा खाना जो डाइजेस्ट हो जाए। भगवान को क्या, भगवान तो भाव के भूखे हैं, लेकिन अपना भाव तो पूरा पूरा रखना चाहिए ना उनके साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दिखा रही हूँ मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ फटाफट से मैंगो शेक बना के रख देती हूँ, फिर मैं पूजा करूँगी। पूजा क्या करूँगी, लल्ला को जगाई हूँ, नहलाऊँगी, उसके बाद थोड़ा सा वो वहाँ पे लगा के और मैं फट से मैंगो शेक की सेवा। लाइट कट जाएगी तो मैं फिर से फंस जाऊँगी कल की तरह। फ्रेंड्स, फाइनली मैंगो शेक मैंने बना लिया है, वो देखिए आप लोग दिख रहा होगा जार में मैंगो शेक बन के तैयार है। और मैं जाती हूँ फटाफट लल्ला को नहला लेती हूँ, दिखाती हूँ आप लोग को, फिर मैं मैंगो शेक की सेवा करूँगी, बहुत मज़ा आएगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स, ये रहे लल्ला और अब मैं इनको लेके जा रही हूँ नहलाने। अब मैं चल के लल्ला को नहलाऊँगी, लल्ला भी चल रहे हैं, सभी को राधे राधे। ये देखिए फ्रेंड्स, लल्ला की दीदी ये कहाँ घुस के बैठी हैं। मैं घर की सफाई कर सारा सामान ऊपर चढ़ा दी हूँ तो ये अपना उसी में घुस के बैठी हैं। ऐसा क्यों करती हो? वो बड़ा अच्छा लगता है। इनको बड़ा अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, मेरी हो गई है पूजा की तैयारी, अब लल्ला को मैं फटाफट से नहला दूँ। तो ये रहे लल्ला, अब लल्ला नहाएंगे फटाफट से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मेरे लल्ला नहा के हो गए रेडी। फ्रेंड्स, मैं इनका सिंगार नहीं करती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जब अपने आप को इतनी गर्मी लग रही है तो ये भी तो छोटे से बाबू हैं, प्यारे से, क्यूट क्यूट से, इनकी आँखों में पूरा ब्रह्मांड है, आँखों में इनके मुंह में भी है। इनका सुन लीजिए, इनके मुँह में भी है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फट से पूजा करके फिर मैं इनको मैंगो शेक की सेवा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो गई समाप्त और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। और इसके बाद मेरा मैंगो शेक भी एकदम बना है, थोड़ा सा उसका चीनी भी घुल गया होगा। अब मैं उसको निकाल के फटाफट से मैंगो शेक की सेवा लल्ला के लिए करती हूँ। और आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में, देखिएगा मेरे लल्ला कितने अच्छे से मैंगो शेक पीते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंगो शेक बन के हो गया तैयार और लल्ला भी आ गए हैं इस कमरे में, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी थी, मैं उठा लाई इनको। और अब मैं जा रही हूँ उनको मैंगो शेक पिलाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं जा रही हूँ लल्ला को मैंगो शेक पिलाने। और उसके बाद ये भूख जो मैंगो शेक की है बहुत चिल्ड है, बहुत चिल्ड, बहुत ज़्यादा ही चिल्ड है। अरे बाप रे, दीदी जो है ना वो बड़ी बदमाश है। लल्ला पी लीजिए, मेरी अम्मी, अम्मी अम्मी, मस्त है एकदम, अच्छा लग रहा है। देखिए देखिए फ्रेंड्स कैसे पी रहे हैं लल्ला, इनके मुंह में भी कितना अच्छे से लग रहा है। और ये देखिए, मैं इनको पूरा ना लस्सी वाली ग्लास में देती हूँ, बड़ी ग्लास, ये आप लोग देख लीजिए। तो ऐसे ही आप लोग भी पिलाया करिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, कभी कभी क्या आज इनका मन रहा होगा, वैसे मैं अक्सर इनको लस्सी भी बनाती हूँ तो बड़ी ग्लास में ही देती हूँ।
मतलब भोग लगाती हूँ, और जब सेक भी बनाती हूँ तो मैं बड़ी ग्लास में ही लगाती हूँ, क्योंकि ताकि मेरे लल्ला खूब अच्छे से पी के एकदम चिल्ड हो जाए। टन टना लल्ला पी रहे हैं। पास से दिखाओ, दिखाओ पास से, ये देखिए। पी लिए लल्ला मेरे। अब सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज का मैंगो से बहुत अच्छा रहा। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताने वाली हूँ कि गर्मियों का दिन चल रहा है, तो आप लोग जितना हो सके ठंडा से ठंडा चीज़ का ही मतलब कान्हा को भोग लगाइए। जैसे बहुत ज़्यादा फ्राई वाली चीज़ों को नहीं, कभी कभी कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि सादा सादा ही खिलाइए। जैसे आप अपनी तरह, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में जैसे हम लोग अपना करते हैं, सेम वैसी भोग वैसी प्रसाद कान्हा के लिए भी तैयार होना चाहिए किचन में। और जितना इनकी हम मन लगा के और जितने भाव से इनकी सेवा करेंगे, उतना अच्छा। ये खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। मेरे लल्ला बहुत प्यारे हैं। राधे राधे, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो अब मैं लल्ला को बैठा देती हूँ। लल्ला कितने प्यारे लग रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लल्ला मेरे बैठ गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मैंगो सेक पी के एकदम खुश। तो फ्रेंड्स, आज की मैंगो सेक की, मॉर्निंग की मैंगो सेक की सेवा थी लाला की। और अब दोपहर में हम खाना बनाएंगे, और आज सादा ही खाना बनाएंगे सिंपल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब इस भोग को, जो मैंगो सेक का भोग लगा है, उसको हम पूरे परिवार को पा लेना है। तो अभी हम माँ बेटी इसको जाके इस भोग को पाएंगे, और बहुत अच्छा लगेगा। फिर दोपहर का भोग लगाएंगे। दोपहर का भोग तो मैंने कल भी आप लोग को दिखाया था, और रात का भोग मैं कल जो वीडियो नहीं बनाई थी शायद, लेकिन मैंने कल इनको कद्दू की सब्जी और पराठा और आम का भोग लगाया था। तो मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाल देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चिया के कान्हा चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़ फ्रेंड। बहुत ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, जिससे कि मेरे चैनल पे सपोर्ट अच्छे से हो और मेरा चैनल भी ग्रो करे। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे दिल से सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो यहीं तक। अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है उससे, कि मैं इनक्रेज भी होती हूँ कि हाँ चलो लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं और बेटर देन बेटर करने की कोशिश करूँ। तो उम्मीद है सब लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। चलते हैं फिर खाना बनाने, नहीं तो लेट भी होगा और फिर लाला को भूख भी तो लग जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।